हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं? शेख रशीद थग लाइफ। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी शेख रशीद की थग लाइफ करो, हमने कहा देखते हैं। और पीडीआई से हैं ये, तो मतलब कि मजा आएगा देखने में। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, लेट्स सी इनकी थग लाइफ कैसी होती है और क्या हमें सैविज पना देखने को मिलता है, देखते हैं। और ये राणा सनाउल्ला थू, राणा सनाउल्ला की शक्ल देखी है, चमगादड़ का फ्रंट पोज होता है, ये चमगादड़ का फ्रंट पोज होता है। Born free, live free and I'll die free। तो पहला लास्ट माई सेंटेंस मेरी जिंदगी पे हमला हुआ वो सरदार हकीम और गुलाम रसूल का इलेक्शन था, है जी, जिसमें मुझ पे गोली चली और जिस का मुझे कहते हैं पिस्तौल निकाला। अगर मैंने निकलना निकालता पिस्तौल तो शायद नहीं, मैं भागने वाला तो नहीं करता हूँ। पहले यार ना मारो, जब आदमी मारने भी उतरा है तो फिर कुछ सोचता हूँ। पहले मैं मिन्नत करता हूँ, गॉर्डन कॉलेज में भी गुलबादशाह ने एक दफा मुझ पर, जब मैं जीत गया परवेज रशीद से इलेक्शन मीर साहब, तो गुलबादशाह ने पिस्तौल निकाला, कहता भाग। मैंने कहा भाई तेरी मिन्नत करता हूँ, गोली ना मार। उसने कहा भाग। मैंने कहा मैं भागता नहीं, जरा तेज चल के चला जाता हूँ। उसने कहा अच्छा तेज चल के जा। सो जान बचानी भी तो शेखों से सीखे ना। चल के गए, अच्छा भागे नहीं है, थोड़ी तेज चल के गए। ओके, 12 बजे हमारी टर्म खत्म हो जाएगी, तो कल चला। अगर लोड शेडिंग होती तो मुझे आप जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ को या आबासी साहब को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। चलो कल मैं जा रहा हूँ, फिर ना मैंने कहना बिजली नहीं आई। मेरे बाप की बिजली है, तेरा बाप वहाँ जनरेटर था, बहुत बड़ा एटॉमिक जनरेटर आपने लगाए थे वहां पे, वो चश्मा बराज में तुम्हारे बुजुर्गों के जनरेटर थे। आपने भी पहना संदीप ऐसे ही है, कंपनी की मशहूरी के करूंगा। मैं आपके लिए आऊंगा आपके कॉलेज में, मैं वादा करता हूँ। मैं धरना दूंगा रक्षा ड्राइवरों, मैं तुम्हारे लिए भी धरना दूंगा। इस एसपी की ऐसी गीता सी, एक तो कैमरे इतने हो गए हैं तकरीर ही नहीं करने देते। आप भी बैठ जा भैया, तू तो मेरी तरह देसी आदमी है यार। ये नौजवान स्मार्ट सा लड़का है, इतनी बड़ी दाढ़ी रखने वाला अब्दुल करीम, इसकी जाली डिग्रियों पे ऐसे वजीर पे 101 करोड़ बार मैं लानत भेजता हूँ। नवाज शरीफ डटेगा, कलेजा फटेगा, न्याज बटेगी, गोली अंदर होगी और ये जेल के अंदर होगी। दो हलकों से कंटेस्ट कर रहे हैं, दो हलकों में कैंपेन करना एट द सेम टाइम कितना मुश्किल है, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप समझ रहे हैं, दोनों हलकों में इंसाफ कर पा रहे हैं? मेरा ख्याल है मेरी स्ट्रेटजी ठीक कामयाब रही है, इधर वाला उधर लड़ रहा है, उधर वाला इधर लड़ रहा है। सो जो मैंने सोचा था बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से उसी पैटर्न पर बेवकूफों ने सियासत की है। और हालांकि ये इधर उधर अपने अपने हलकों में से भी लड़ सकते थे ना। अब मेरा पिंडी का आदमी यहाँ आएगा जी इनके पास तस्दीक कराने के लिए, और हम तो इंशाल्लाह इस दफा इख्तियारात ही बांट देंगे पिंडी शहर में। लंबे ठप्पे लगाओ, दस्तखत करो, मोरें करो, क्या आपस में इत्तेफाक हो गया, वो जो लड़ाई थी उसका आपको फायदा हो सकता था, आप समझते हैं कि कोई नुकसान भी हो सकता है? उसका क्रेडिट मुझे देना। लड़ाई का के इत्तेफाक जी, वहीं पे खाक जहां का खमीर था। सो मफाद इनका सबसे बड़ा रिश्ता है, मफाद को खौफ पैदा हुआ ना कब्जा ग्रुपों को और मंशियात फरोशों को, ये इकट्ठे हो गए, सत्यानाश कर देंगे। 10 नंबर का लितर लेके जा रहा हूँ असेंबली में, लंबा डाल के मारना है इनको, चोरों और डाकुओं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच सर। सत्यानाश कर देंगे, 10 नंबर का लितर लेके जा रहा हूँ असेंबली में, लंबा डाल के मारना है इनको, चोरों और डाकुओं। दो सौ रुपए 250 लगा रहा, बच्चा अपना सपोर्टर है तो अब इसको ना तो नहीं हो सकती ना। मैंने इसको कहा यार जायज लगा ले, अब ये लाजमी कह रहा है पपीता भी एक ले लो, मोटा आदमी हो तो इस कह रहा है स्मार्ट हो। हाँ तो ये कहता है कि हमारा नुमाइंदा स्मार्ट होना चाहिए। दोनों चूहे जलंधर हो,
जब ये पैदा होने वाला था तैरुल कादरी साहब, डॉक्टर साहब, जब नवाज शरीफ पैदा हो रहा था, इसके बाप ने नजूमी को हाथ दिखाया। नजूमी ने हाथ देखा, उसने कहा तेरे घर बेटा होगा जबरदस्त, चलाक, पैदागीर, परले दर्जे का झूठा, मक्कार, रियाकार, तीन दफा वजीर आजम बनेगा, लेकिन जिस दिन वो सच बोलेगा उसकी जिंदगी का आखिरी साल होगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? So savage person, यार सैवेज है या पीटीआई ये पार्टी में सब सैवेज है यार, ये भी बहुत ही सैवेज, फनी भी बहुत ज्यादा है और जोक तो बहुत ही अच्छे क्रैक कर दो। दूसरी पार्टियों से मतलब के फुल दिमाग से सियासत कर लेते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताना शेख रशीद आपको कैसे लगते हैं, लाजमी बताना, और लाजमी बताना कि इमरान खान की पार्टी में कब से हैं, लाजमी ये भी बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।